अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी अज़ीम ड्राइवरी चैनल। आज मैं आपके साथ ये बटरफ्लाई का जो है वो पैटर्न शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने लेड पेंसिल की मदद से जो है इसको ड्रा कर लिया। तो अब मैं इसको बना रही हूँ। ये छोटी बच्ची की जो है वो शर्ट है, उसके ऊपर मैं बना रही हूँ गले के बिल्कुल नीचे। और इसके लिए जो है ये मैं ऊन का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सिंगल धागा है, वाइट और येलो कलर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ रेड के ऊपर। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसके सेंटर वाला जो पार्ट है उसको बना लें। बहुत खूबसूरत और बहुत सिंपल है ये। आप समर में जो है अपनी बच्चियों की फ्रॉक की बॉडी के ऊपर या इस तरह से जिस तरह मैंने कमीज़ के ऊपर बनाया, इसी तरह से आप बना सकते हैं और बहुत डिफरेंट और अच्छा लगेगा ये। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप जो है किसी भी चीज़ पर एम्ब्रॉयडरी करें तो उसको आप सेंटर से स्टार्ट करें। कोई भी आप पेटल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, आप उसको सेंटर से जो है वो स्टार्ट किया करें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एक साइड से उसको कंप्लीट किया, अब दूसरी साइड से मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैं इसके जो हैं ये पर बना लूँगी। ये भी बिल्कुल उसी सेम जो है उसी तकनीक को यूज़ करते हुए मैं बनाऊँगी। आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा अपनी बच्चियों की जो हैं वो फ्रॉक के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त ये डिज़ाइन लगता है, बिल्कुल इजीली बहुत जल्दी बन जाता है और इसकी ग्रेस बहुत ज़्यादा जो है कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल इसी तरह से जो है ये फील होता है जैसे बाज़ार से कोई मोटिव ला के तो वो ऊपर लगाया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप लोग ट्राई करते हैं तो वो किस तरह से आपसे बन रही हैं और आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इसी तरह से जो है ये मैं इनको कंप्लीट कर लूँगी और इसकी फिलिंग जो है वो कंप्लीट करने के बाद जो है हम इसका हाशिया बनाएंगे। अभी मैं इसकी पहले ये कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे जैसे वो एंडिंग पे आता जाए तो आप उसको देख रहे हैं, इस तरह से आप नीचे से उसको कम करते जाएं तो बहुत खूबसूरत एक जैसा जो है वो आपका डिज़ाइन बन जाएगा। और जब भी आप इस तरह से फिलिंग कर रहे हों तो आप एक बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, जैसे जैसे ये जो है कंप्लीट हो रहा है इसके स्टिचेस छोटे होते जा रहे हैं और जो आपका एंड वाला स्टिच होगा आप उसके ऊपर जो है वो आप ऊपर से बल दे के जो है वो ना लगाइए, स्टिच बिल्कुल सादा लगाइए।
ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसकी कंप्लीट कर लिया फिलिंग, और अब मैं इसका हाशिया बनाऊंगी। और उसके लिए जो है ये मैं येलो कलर का जो है वो वूल का थ्रेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने सिंगल ही लिया है। तो ये देखिए इस तरह से आप बैक स्टिच की जो उसको यूज़ करते हुए आप बनाइए। देखिए इस तरह से आपका धागा जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। अगर आप जो है इसी तरह से बनाते जाएं इसको, ये देखिए इसी तरह से जो है मैं इसका सारा हाशिया जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। ये जो है ये 3 स्टेप्स होंगे ये बटरफ्लाई कंप्लीट होने में। सबसे पहले जो है हम इसकी फिलिंग करेंगे, उसके बाद से इसका हाशिया, और इसके बाद फिर जो है इसमें एक डिज़ाइन आएगा। इसी तरह से जो है मैं इसका सारा हाशिया बना लूँगी। ये देखिए अब इसके बाद जो है ये मैं इसमें डॉट्स लगाऊंगी। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये डॉट्स लग के जो है ये इसकी और ज़्यादा ग्रेस बन गई है। तो आप ये ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और ये आप देख रहे हैं कि फिलिंग जो है वो दूसरी साइड पे मैंने की है, और उसकी जो चौड़ाई वाली साइड है या उस साइड पे जो है ये मैं अब डॉट्स लगा रही हूँ, वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे। अगर आप जिस तरह से आपने फिलिंग की है लंबाई में उसी तरह आप डॉट्स लगा देंगे तो वो नज़र नहीं आएंगे इसके ऊपर, इसलिए आप उसकी अपोजिट साइड पर लगाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सनियाज़ एम्ब्रॉयडरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके, और आप जो है बहुत कुछ सीख सकें और आप अपने ड्रेसेस को खूबसूरत बना सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने का, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।